हरदोई में मादक पदार्थ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और दो अवैध हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया गया। फिलहाल घायल बदमाश और पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो चेकिंग की जा रही है, तो बेलग्राम थाना के परसोला बॉर्डर पर रात्रि में लगभग 1 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति उधर कन्नौज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े, जिनको रोकने के प्रयास किया पुलिस, लेकिन ये बैरियर तोड़ के भागे हैं और ग्राम छिबरा मऊ की तरफ गंगा कट्टी की तरफ मुड़े, जहाँ पर इनकी साइकिल गिर गई। पुलिस ने इनकी घेराबंदी किया तो इन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश सुरेंद्र, जो संभल का निवासी है, जिसके ऊपर लगभग लूट और चोरी के 10 मुकदमे दर्ज हैं, घायल हुआ है, और इसका साथी नरेश है जो बिजनौर का रहने वाला है, उस पर भी चोरी और लूट आदि के मुकदमे 5 पंजीकृत हैं, तो गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से तमंचे पकड़े गए हैं और